हॉरर। ये नाम सुनते ही आपके मन में भी एक अजीब सी दिखने वाली चुड़ैल दिखाई देती है, सही कहा ना? तो ये आपके साथ नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के साथ होता है, तो ये ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है यार। आपने मेरे ज्यादातर वीडियोस में देखा होगा कि मैं कहानी में ये कहता हूँ कि उस व्यक्ति के मरने के 3 दिन बाद उसका आत्मा भटकने लगता है, और आप मेरा कोई भी वीडियोस को उठाकर देख लो, मैं इसी चीज को ज्यादातर रिपीट किया हूँ, जिसे आपको भी थोड़ा सा अजीब लगता होगा। लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो 3 दिन बाद उसके आत्मा को यह पता चलता है कि उसका शरीर पूरी तरह खत्म हो चुका है, और इसी वजह से मैं ज्यादातर वीडियोस में मैं इसी चीज को रिपीट करता रहता हूँ। और आप सभी के मन में एक सवाल जरूर होता होगा कि अमावस की काली रात को ही क्यों स्थापित माना जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अमावस की काली रात को भूत पिशाच और चुड़ैल की शक्तियाँ सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए अमावस की काली रात को स्थापित माना जाता है। और आपने ज्यादातर मूवीज में भी देखा होगा कि अमावस की काली रात को घर से कोई भी बाहर नहीं निकलता, और जो भी बाहर निकलता है उसका पूरा लग जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एक दूसरे वीडियो में एक बंदा आकर ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ये भूत पिशाच ये सब रात के 3 बजे ही क्यों निकलते हैं, कोई रात के 3 बजे कोई मीटिंग फिक्स करके रखे होते हैं क्या? तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि दोपहर के 3 बजे को जीसस को सूली पर टांगा गया था, और इसलिए रात के उस वक्त के हिस्से को स्थापित माना जाता है। और हाँ, ये बात मेरा कहना नहीं बल्कि ये चीज साफ साफ बाइबल में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल सके इन सब के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत जल्द एक हॉरर स्टोरी आने वाला है, तो वीडियो पर बने रहो यार।